सोमवार को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मनकेश्वर नाथ पांडे ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मार्कंडेय चंद स्मारक यूनेक्स सनराइज यूपी स्टेट प्राइज मनी बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 8 जून से 10 जून तक होगा, जिसमें 13 वर्ष से कम आयु के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। धर्मपुर स्थित लैब इन बैडमिंटन अकेडमी में इस प्रतियोगिता में विजेता और उप विजेता को 1,00,000 नगद पुरस्कार दिया जाएगा। पूरे प्रदेश से लगभग 200 बालक बालिका इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्टेट लेवल पर शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 8 जून को शाम 4 बजे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद द्वारा किया जाएगा और 10 जून को प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण सदस्य विधान परिषद CP चंद द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद खेलों के शौकीन थे। उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष उनके पुत्र MLC CP चंद एवं अरुण चंद बैडमिंटन प्रतियोगिता हर वर्ष कराते आ रहे हैं। इस वर्ष भी स्टेट स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव राजित श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मनकेश्वर नाथ पांडे एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद के पुत्र अरुण चंद ने कहा, और साथ ही साथ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज ने भी, क्योंकि बैडमिंटन से इस विद्यालय का एक पुराना लगाव, बयान खान इसी विद्यालय के छात्र हैं, तो 50,000 की राशि हमारे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के द्वारा भी आदित्य यादव को उस दिन दी जाएगी। भविष्य है, वो पुरानी कहावत अब नहीं है कि खेलोगे कूदोगे तो खराब होगा। आदित्य इसमें पार्टिसिपेट भी कर रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि गोरखपुर हमेशा बैडमिंटन की नर्सरी रहा, अंडर 13 शुरुआत होती है, वो प्रतियोगिता भी गोरखपुर करा रहा है, तो वो परंपरा आज भी राजेंद्रिया उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के संयुक्त सचिव भी हैं, तो आपका लगातार प्रयास रहता है कि गोरखपुर में ही वो नर्सरी चल पाए और नए बच्चों को अवसर मिले। गोरखपुर बैडमिंटन संघ के द्वारा अंडर 13 जो शुरुआत होती है बच्चों की बैडमिंटन खेलने की, उनकी यूपी स्टेट प्रतियोगिता बैडमिंटन की 8 से 10 जून को आयोजित हो रही है, और यह आयोजित हो रही है उस व्यक्ति की स्मृति में, नाम पे, जिनका कि खेलों से तो लगाव था ही था, साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, और इस पूरे पूर्वांचल के विकास ही नहीं कहिए, पूरे प्रदेश की राजनीति में उनका अपना एक स्थान था। स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी, उनकी स्मृति में यह प्रतियोगिता हम लोग आयोजित कर रहे हैं 8 से 10 जून को। अरुण चंद जी उनके छोटे पुत्र हमारे साथ हैं, राजेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे बैडमिंटन संघ के सचिव गोरखपुर के, वो मेरे साथ हैं, आयन खान जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में हैं। तो यह प्रतियोगिता पूरे प्रदेश के बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे अंडर 13 के, और यह 11th अकेडमी जो धर्मपुर में है वहाँ पर 4 कोर्ट है, वहाँ पर ये आयोजित होगी। इसमें 1,00,000 रुपये राशि का नगद पुरस्कार जो फाइनल सेमीफाइनल विजेता होंगे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और सभी जितने प्लेयर हमारे आ रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था 3 दिन निःशुल्क रहेगी। साथ ही साथ एम्पायर और जो मैच कंट्रोलर हैं उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने वो किया। इस प्रतियोगिता का 8 तारीख को उद्घाटन शाम को 4 बजे माननीय संजय निषाद जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके द्वारा होगा, और समापन 10 जून को शाम को 5 बजे पुरस्कार वितरण जो हमारा होगा वो माननीय CP चंद साहब, जो कि मार्कंडेय चंद साहब जी के बड़े पुत्र हैं और वर्तमान में स्थानीय निकाय के सदस्य विधान परिषद भी हैं, उनके द्वारा पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इसके अलावा एक और सूचना मैं आप लोगों को दूँ कि अगस्त महीने में अंडर 15 और 17 स्वर्गीय प्रकाश नारायण जी, जो कि इस विद्यालय के संस्थापकों में रहे हैं, उनकी स्मृति में हम लोग अंडर 15 17 1,00,000 पुरस्कार राशि की प्रतियोगिता भी गोरखपुर बैडमिंटन संघ आयोजित करेगा, और MG इंटर कॉलेज उसका स्पॉन्सर रहता है, और सितंबर में इंटर स्टेट ईस्ट जोन बैडमिंटन प्रतियोगिता जिसमें अन्य स्टेट भाग लेंगे, छः स्टेट भाग लेंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, UP, उत्तरांचल,
तो ये छः स्टेट के बीच में 6 से 11 सितंबर के बीच में ईस्ट जोन होगा, जो कि संभवतः लेवेंस एकेडमी और हो सकता है कि हम लोग स्थानीय जो रीजनल स्टेडियम में हमारा बैडमिंटन कोर्ट है उसका भी उपयोग करें। कितनी टीम भाग ले रही है? ये टीम नहीं, ये पूरे प्रदेश में बैडमिंटन संघ बना हुआ है, हर जिले से बच्चे आ रहे हैं इसमें जिनकी तादाद 200 के ऊपर हो। ये प्रेस वार्ता है वो अंडर 13 वर्ग के प्रतिभागी जो है इसमें भाग लेंगे। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ हो रही है जिसको जो है जो बैडमिंटन संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से गोरखपुर बैडमिंटन संघ को उन्होंने ये प्रतियोगिता दी है और इसका आयोजन जो है बैडमिंटन संघ गोरखपुर कर रहा है। उसमें मैंने अपने पिता के नाम पे अभी जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराई थी जो अभी जून में पीछे दिसंबर में हुई थी और अभी ये प्रदेश स्तरीय एक प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन संघ कर रहा है, उसके हम जो है स्पॉन्सर हैं और कर रहे हैं और उनके याद में कर रहे हैं अपने पिता स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी के जो पूर्व में खेल मंत्री भी रह चुके हैं और उनका स्पोर्ट्स से लगाव। इसमें पूरे प्रदेश से प्रत्येक जिलों से 4-4 बच्चे और लगभग हमको लगता है कि 200 बच्चे कुल करेंगे। 3 दिन की प्रतियोगिता है, 8-9-10 इनाम है, 1 लाख का इसमें इनाम नगद पुरस्कार रखा गया है और उस नगद पुरस्कार के साथ अध्यक्ष जी ने बताया भी है जैसे वो स्टेट में सेलेक्ट हो गए तो वो इंटर स्टेट खेलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यह प्रतियोगिता गोरखपुर के लिए मान की बात है और आज ये हालत है कि जो पिछली जिला स्तरीय प्रतियोगिता है उसमें वो विजेता भी रही हैं आदित्य यादव मूक बधिर हैं और उन्होंने अभी पैरालंपिक जो गेम्स हुए हैं उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता भी है और वो प्रेरणा लोगों के लिए है, बच्चों के लिए प्रेरणा है और बच्चे उनसे प्रेरणा लेके और आगे बढ़ेंगे और गोरखपुर के बच्चे तो उसे इंस्पायर होंगे ही होंगे लेकिन पूरे प्रदेश के बच्चे आ रहे हैं।